ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, उम्दा होंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी बुद्धि इंटेलिजेंसी से रिलेटेड रहेगी और सारे एमसीक्यूज में रहेंगे, जिसमें आप गार्डनर और थॉर्नडाइक, कैटल, बिने, टर्मन सभी के बारे में आप डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। तो पहला आपका दायित्व तो है कि आप सभी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, जो भी टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहा हो या साइकोलॉजी जिसमें चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, जरूरी नहीं कि ये टीचिंग में ही या नेट जेआरएफ में ही पूछा जाता है, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि है क्या कि जब कोई मेहनत करके लाता है तो कंटेंट दूर तक जाना चाहिए, सभी को लाभ पहुंचना चाहिए। कोई पैसे, कोई चार्ज है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो आप जिस तरह आप लाभान्वित हैं, वैसे अपने सभी जितने आपके फ्रेंड सर्कल है वो सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो आई होप आपने शेयर किया होगा, अगर नहीं किए हैं तो आज शेयर कीजिए और लाइव प्लस जुड़ने का प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ठीक है भाई, ओके, गुड मॉर्निंग अभिलाषा, रीमा, रीनू, सरोज, ठीक है, उषा, अभिलाषा, सभी को भाई गुड गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्फ स्टडी क्लासेस आपका ऐप भी है। ऐप में भी जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको साहित्य, अगर हिंदी साहित्य का संपूर्ण आपको विश्लेषण पढ़ना है सुमित सर के साथ, तो आप इन्हें जुड़ सकते हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ भी यूट्यूब पर भी फ्री क्लास इनकी मिलती है रात्रि को 9 बजे और रात्रि को 8 बजे व्याकरण की हमारी रहती है। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल में जो नए होंगे, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप ऐप को इंस्टॉल करने जाते हैं, अगर आप किसी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी है, पीजीटी, सुपर टेट है ना, तो इनको अगर आप इसको विस्तार में आपको पढ़ना है तो ये आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का। ऐप को डाउनलोड करने जाएंगे, इंस्टॉल करने जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो ऐसा कुछ आपको आइकॉन मिलेगा, तो ये आप कर लेना। ठीक है भाई, ओके। चलिए तो बिना समय को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोली। रंजना जी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, कोई भी नाराज ना हो, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। ठीक है, चलिए। जैसे पेरेंट्स के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, वैसे हमारे लिए भी कोई नाम लेने से, तो पर्टिकुलर जो नाम दिख गया सिर्फ ये अंतर होता है कि उसका नाम बोल दिया गया, बाकी ऐसा नहीं है। कोई प्रिय नहीं है जिनका नाम नहीं बोला गया, सभी मेरे बहुत प्रिय हैं, असमान रूप से हैं। ठीक है, पांचों उंगलियों के जिस तरह आप दर्द होता है वैसे ही मुझे समान आप लोग को देखती हूँ, सभी मेरे लिए समान हैं। ठीक है, बिल्कुल नाराज ना हो। और हाँ, अगर आपको लगता है नाम लिख दिया करिए तो भाई मैं बोल दूंगी, अगर आपको नाम से खुशी होती है तो भाई क्यों नहीं, वो खुशी देनी चाहिए, मिलनी चाहिए वो खुशी। ठीक है, चलिए तो अब छोटे बच्चों की तरह नाराज होना बंद करिए और बड़ों की तरह चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है भाई, ओके। देखिए क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन आज का पहला, कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है। पहला है सामान्य बुद्धि पर बल देता है, दूसरा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर देता है, थर्ड है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। देखिए गार्डनर की थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि ये आपको सारे कोई भी एग्जाम साइकोलॉजी जिसमें भी लगती होगी, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो इसको भाई आप समझ लीजिए और मैं आपको इसका डिटेल भी थोड़ा बता दूंगी, बस पहले आप आंसर कर लीजिए। ए ए ए सामान्य बुद्धि की बुद्धि का सिद्धांत ए आ रहा है भाई। देखिए प्रैक्टिस अच्छी कीजिए, ठीक है, और आपको वैसे भी सोशल मीडिया में आप लोग ज्यादा इस समय लाइव रहते होंगे, तो लाइव रहने का ये मतलब नहीं है कुछ भी आंसर कर कुछ भी कहीं से पढ़िए, मटेरियल सही पढ़ना चाहिए, कहां पर देखो, कहां पर क्या कर रहे हैं, कहां पर अपना समय दे रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। क्वेश्चन तो सभी को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हट जाया करूंगी। ठीक है भाई, ओके। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का यहाँ पर बहुबुद्धि होगा, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत। अब हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बहु मतलब बहुत सारी बुद्धियों का सिद्धांत उन्होंने दिया है। सामान्य बुद्धि नहीं होगा, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों नहीं होगा, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण मतलब बहुत सारी योग्यताएं होती है, ठीक है, और विलक्षण का मतलब है और अदृश्य अद्भुत, मतलब कि हर एक व्यक्ति में होती है, किसी एक व्यक्ति में नहीं, हर एक व्यक्ति में होती है। किसी में क्रिएटिव होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा, कोई रंगोली में अच्छा होगा, कोई मेहंदी में अच्छा होगा, कोई खाना बनाने में अच्छा होगा, लेकिन होता हर कोई अच्छा, प्लेटफॉर्म सभी बहुत बेहतरीन होते हैं,
कोई भी काम आप दुनिया में मन लगा कर करिए, सभी काम बहुत जरूरी होते हैं, सभी काम अच्छे होते हैं, ठीक है। बस आप उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपना मन बनाए रखें, तभी वो काम करिए, चाहे वो ब्लॉगर बनाना हो या फिर कोई अदर काम हो, ठीक है भाई। नाराज ना हो कोई भी, ठीक है, किनारे हो जाएगी। चलिए ये लीजिए, किनारे हो गई मैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत जो बल देता है, तो पहला मैं आपको बता देती हूँ कि प्रकार उन्होंने कितने प्रकार के उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत बताए हैं। टोटल 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर जी, ठीक है भाई। उनका कहना है कि बुद्धि एक प्रकार से नहीं, बुद्धि कई प्रकार से मिलकर के बनी होती है। तो पहला उन्होंने कौन सा दिया है, भाषाई बुद्धि दी है, देखते रहेंगे। भाषाई बुद्धि पहली उन्होंने दी है। भाषाई बुद्धि उन्होंने क्या बताया है, मैं थोड़ा सा डिटेल एक मिनट इसको बता दूंगी तो आपको चीजें आसान हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको करने के लिए। भाषाई बुद्धि उन्होंने क्या बताया है कि जो ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि का विकास होगा, उसमें जैसे वो कवि बन जाएगा, लेखक बन जाएगा, पत्रकार बन जाएगा, वकील बन जाएगा, ये सारे उसमें गुण होंगे उस व्यक्ति में जिसमें भाषाई बुद्धि का विकास होगा। तो चलिए पहला हमारा क्लियर हुआ। अगर हम बात करते दूसरे बुद्धि की, दूसरे उन्होंने कौन से दिया, तार्किक गणितीय बुद्धि उन्होंने दिए हैं। अब उनका कहना है कि जिस व्यक्ति में तार्किक और गणितीय बुद्धि होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, तर्क मनो, जैसे कि रिसर्च में है, साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे किसमें बढ़ते हैं, तार्किक गणितीय, जो कि आपको मालूम है तर्क वितर्क क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से हुआ, है ना। जैसे जीरो का वैल्यू क्या है ना, तो इसकी वैल्यू ऐसा क्यों हुई, क्या हुआ, मतलब रिसर्च जो करते हैं ना वो ये सारी चीजें क्या क्यों का ज्यादा मतलब कि वो पूरा ब्रॉड जाते हैं। तो देखिए दूसरा ये भी क्लियर हुआ। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहीं पर स्थानिक बुद्धि की, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि का क्या हुआ मतलब, स्थानिक बुद्धि का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपने देखा होगा कोई पटवारी आते हैं, कानूनगो आते हैं, तो स्थानिक बुद्धि में क्या करते हैं कि भाई ये खेत में आपका इतने वर्ग मीटर, इतने फुट मीटर, यहाँ पर ये जमीन आपकी है, बाकी आपके अदर भाई की है। तो यहाँ पर स्थानिक का मतलब दिशाओं से संबंधित जिनको जानकारी होती है वो आपके स्थानिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है भाई। सभी को क्लियर हुआ। हाइट इसलिए की हूँ खुद को ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख पाए, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि, चौथा कौन सा होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब भाई शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या होता है मैम जी, शारीरिक का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना, नाम से क्या स्पष्ट, बॉडी कांसिक, है ना, मतलब कि जो भी शरीर से मूवमेंट करते हैं, जैसे कि नाचना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये शरीर, ये शरीर से मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप डांस कर रहे हो तो सारी बॉडी आपकी मूवमेंट कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा बुद्धि का विकास होता है तो बहुत डांस करते हैं, परफॉर्मेंस अपने मतलब कि पायलट होते हैं, और कहने का मतलब ये है कि अपने पूरे शरीर का वो प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि वाले कहलाते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं क्या कह रहा है अगला हमारा, अगला देख लीजिए, यहाँ पर स्थान नहीं है, रुक जाइए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ, इरेजर, ओके। देखिए पांचवी बुद्धि के प्रकार कौन सी है, देख लेते हैं हम। पांचवी आती है हमारी सांगीतिक बुद्धि, पांचवी कौन सी आती है हमारी, सांगीतिक बुद्धि, ठीक है भाई, ओके। पांचवी देख लेते हैं कौन सी आ रही हमारी, इरिटेट तो आप लोग नहीं हो रहे कि मैम यहाँ पर हम एमसीक्यू करने आए हैं और मैम क्या कॉन्सेप्ट बताने लगी, भाई अगर ऐसा लगेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए पांचवी बुद्धि कौन सी उन्होंने बताई है, सांगीतिक बुद्धि बताई। संगीतिक बुद्धि में क्या होता है, इस बुद्धि का व्यक्ति क्या करेगा, संगीत में रुझान लेगा, जैसे कि मान लीजिए लता मंगेशकर, लता मंगेशकर क्वेश्चन बनता है 100% बनता है कि संगीत, लता मंगेशकर गायक जो है किस बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, तो आपको आंसर कर रहा है संगीत बुद्धि। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप लोग इतने समझदार तो है कि नाम से स्पष्ट आप सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन, छठवां कौन सा उनका, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। एक शब्द में व्यक्तिगत आत्मबुद्धि को और भी हम कहते हैं अंतरा व्यक्तिगत, अंतरा व्यक्तिगत, ठीक है। कहीं कहीं पर अंतरा व्यक्तिगत आपको थोड़ा सा शब्द मिल जाएगा, अंत व्यक्तिगत मिल जाएगा, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा। तो व्यक्तिगत आत्मबुद्धि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति, आत्मन का मतलब क्या है, इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसमें व्यक्ति संवेगों को नियंत्रित करता है, मतलब स्वयं की जो संवेग होता है, आत्मन का मतलब स्वयं होता है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वयं के नियंत्रण को काबू करता है। जैसे मान लीजिए कि आप में कोई ऐसी कमी है, जो मान लीजिए कि आपके टीचर्स या आपकी मम्मी कुछ भी कहती है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप अपने जो संवेग है आपके, आपकी जो गुस्सा है, खुद को काबू पाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने में काबू पाता है, वो व्यक्ति कौन कौन से, जैसे योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, मुनि होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि इनको गुस्सा कभी भी नहीं आता है। तो ये कौन से होते हैं, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि वाले होते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यही सातवां की, सातवां में व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यही व्यक्तिगत आत्मन था, अब यही पर अन्य बुद्धि आ जाएगा, ठीक है। अन्य बुद्धि में क्या करता है, इसमें दूसरों के मनोभावों को आप जान पाते हैं भाई, बहुत ज्यादा। मैम आप सम रहो, साइड से प्रश्न नहीं दिखा,
मैंने देखिए साइड हो गई हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट में अन्य में क्या होगा, अन्य में क्या करते हैं व्यक्ति, इसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के मनोभावों को जानता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको देखा, देखते ही बता देगा कि आपको कल कितनी फीवर थी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए डॉक्टर के पास, आपको देखते ही वो बता देगा, ठीक है। तो ये अन्य बुद्धि का विकास हुआ। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि में एक क्वेश्चन बन सकता है, इसमें अब हर एक में बनेगा क्वेश्चन। प्रकृतिवादी में क्वेश्चन बन जाए कि जो किसान होते हैं वो किस बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, आपको आंसर करना है प्रकृतिवादी। क्योंकि रीजन क्या है, जो नेचुरल से कनेक्ट है, नेचर से कनेक्ट है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धि का कहलाएगा। तो सभी को क्लियर हुआ भाई, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। मेरे कॉन्सेप्ट बताने का मतलब यही था कि आप चीजों को समझ पाए, रटे नहीं, है ना। रटने से जीवन में कोई भी कोई हासिल नहीं कर पाता है, कोई भी किसी भी चीज को। मिस्टर सुरेंद्र प्री में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग आंसर करेंगे, और आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होता सिर्फ एमसीक्यू, तो लगातार बताते रहिएगा भाई, उसी के अनुसार आपको क्लास मिलेगी। देखिए, बुद्धि सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, धनात्मक पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है, शून्य पाया जाता है, या फिर ये सभी। आंसर करेंगे सभी लोग। और देखिए, अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत अगर आप सबको दिखाई दे रही है, तो प्लीज यार इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबके। ये सिर्फ दो लोगों तीन लोगों में नहीं होना चाहिए, अगर कोई मेहनत करके आप सबके बीच ला रखा है तो उस चीज को दूर तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस चीज का लाभ उठा सके, ठीक है। आज के जमाने में, या कभी पिछला जमाना भी ले लीजिए, आज के जमाने ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोर्स परचेस नहीं कर पाते हैं, उनको फ्री आप कोर्स क्लास चाहिए, तो वो क्लास आप शेयर कर देंगे, शायद उनकी कुछ हेल्प हो पाए, आपके द्वारा हो पाए, मेरे द्वारा हो पाए, तो क्यों, अब भलाई तो होगा ना, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, उनका भी होगा। तो देखिए, क्रिएटिविटी, बुद्धि में क्रिएटिविटी किस प्रकार का रिलेट करती है, बुद्धि में जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, किस प्रकार का रिलेटिव यहाँ पर दिखाती है, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य या फिर ये सभी। आंसर करना है सभी को, दो का ए, दो का डी, बिल्कुल। तो देखिए, यहां पर हमारा आंसर सभी को वैसे मालूम होगा, ये धनात्मक होगा। देखिए, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि में आपने पढ़ा क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी वही कर पाएगा जिसके पास बुद्धि होगी। तो ऐसा नहीं क्रिएटिव बच्चा जो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, प्रतिभाशाली सृजनात्मक नहीं हो सकता, ये सारे अपवाद क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सारे डिटेल क्वेश्चन आगे कराऊंगी और भरमार आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए, यहां पर तो धनात्मक राइट ऑप्शन होगा, ठीक है भाई, ओके। फाइव फिंगर आर नॉट इक्वल, हाँ नॉट इक्वल तो होते हैं, लेकिन दर्द दोनों पांचों में बराबर होता है। प्रीति जी, ठीक है, इक्वल तो नहीं होते, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन दर्द तो पांचों में होता है कि नहीं होता, अगर चोट लगती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाटिया बैटरी का उपयोग किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व मापन, बुद्धि मापन, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। आंसर करेंगे सभी लोग, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन से संबंधित है, आंसर करना है सभी को। इनका पूरा नाम, भाटिया का पूरा नाम चंद्रमोहन भाटिया है ना, चंद्रमोहन भाटिया। इन्होंने कब प्रयोग किया था, सन 1963 में, है ना, बुद्धि में, कि बच्चे में कितनी बुद्धि होती है ना, अगर कोई क्रिएटिव है, क्रियात्मक बुद्धि वाला है, शब्द पूर्ति, मतलब बहुत सारे इसमें क्या होता था कि जैसे बुद्धि का मापन करना है तो कैसे करेंगे, उसमें कुछ प्रयोग करवाते थे कि जैसे मान लीजिए पांच चित्र दे दिए हैं, पांचों चित्र में आपको बताना है तीन चित्रों में क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लास पढ़नी होगी तो हम बुद्धि का पूरा कॉन्सेप्ट ले लेंगे, ठीक है। चूंकि एमसीक्यू में इतना डिटेल नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, व्यक्तित्व का होगा, बुद्धि का होगा, सृजनात्मकता का होगा या फिर अभिवृत्ति का। आंसर करना है सभी को, वेल्डर बुद्धि का हो जाएगा, ठीक है भाई, बुद्धि आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किस, कैटल ने दिया है, गिलफर्ड ने दिया है, थर्स्टर ने दिया है या फिर स्पीयर मैन ने दिया है। आंसर करेंगे, तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है बुद्धि का, सभी को बताना है। बिल्कुल,
ऋणात्मक बुद्धि वो बुद्धि होती है जब आप कोई चीज, किसका कमेंट है ये, चंदन जी का, देखिए चंदन जी, ऋणात्मक बुद्धि वो बुद्धि होती है जब मान लीजिए आपने कोई नाइन्थ में कोई चीज थ्योरम आपने पढ़ी थेल्स प्रमेय, अगर आप टेंथ का पेपर देने जा रहे हो, टेंथ के पेपर में भी आपकी थेल्स प्रमेय आ गई है, तो आप उस चीज को बिल्कुल भी, मतलब कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, मतलब पहले आपने जो पढ़ा है और आने वाले समय में जो उस चीज को फिर से आपने फेस कर रहे हो, लेकिन आपको पुराना कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो ये आपकी ऋणात्मक बुद्धि होती है। ठीक है, मतलब आपको वो बुद्धि जो आपने पहले पढ़ा, जो आपने पहले मेहनत की है, वो आने वाले समय में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही वो चीज, तो वो चीज क्या कहलाती है, ऋणात्मक बुद्धि। और आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने जो कल मान लीजिए पढ़ा, आज आपका एग्जाम है, तो आज आपको याद आ गया, वो आपकी धनात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है, सभी लोग बताएंगे, ये कैटल ने दिया है। किसने दिया है, कैटल ने। कैटल ने दो प्रकार की बुद्धि का मॉडल दिया है, कौन कौन से दिया है सभी बताएंगे, कौन कौन से बुद्धि का मॉडल दिया है कैटल ने, एक तरल बुद्धि दिया है, तरल, एक तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है। तरल बुद्धि को उन्होंने क्या बताया है कि जेनेटिक्स होती है, हर किसी के पास होती है, लेकिन जो ठोस बुद्धि होती है यह आपके अर्जन के द्वारा इक्वायर किया जाता है, वातावरण से आप इक्वायर करते हैं ठोस बुद्धि को, और तरल बुद्धि हर एक में होती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी में होता है, सब में होती है। तो क्लियर हुआ चीजें, और जो ठोस होती है वो इक्वायर की जाती है अनुभव, जितना आप ज्यादा सीखते जाएंगे उतना चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, आप क्या विश्वास करती हैं विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में, एमसीक्यू, चलिए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, या फिर लड़के बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, पांचवा है विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वो संकलात्मक आधार नहीं समझते हो। बताइए उच्च प्राथमिक विद्यालय की एक टीचर होने के नाते, चाहे अध्यापक हो या अध्यापिका के रूप में, आप किस पर, किस एग्जाम्पल पर बिलीव करती हैं। देखिए विद्यार्थियों, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में पढ़ने की योग्यता नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा, लड़की बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता होती है। देखिए पक्षपात की कोई यहाँ पर जेंडर वाइज आपको नहीं करना है कि भेदभाव करना है, लड़की अलग सीखती है लड़का, यह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, जमाना ऐसा रहा नहीं, ना सोच रहा, ना ही ऐसा जमाना रहा, ना ही ऐसे पेरेंट्स रहे, है ना, आज हर कोई चाहता कि हमारी बेटी भी चांद पे जाए, हमारा लड़का भी चांद पे जाए, है ना, ऐसा कोई जमाना नहीं, तो ये आप नहीं कह सकते हो, ऐसा कोई आपको एग्जांपल मिले, ऐसा कोई आपको ऑप्शन मिले, बिल्कुल आपको तुरंत उसको गलत करना है। विद्यार्थियों को कार्य विधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वो संकलात्मक आधार नहीं समझते हो। देखिए किसी चीज का बेस अगर आप नहीं समझते हो तो आपको ऊपर ऊपर की चीज बताने का कोई मतलब नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट एमसीक्यू बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्यों बताती हूँ, क्योंकि चीजें आपके ऊपर से निकल जाएंगी, अगर जो जिसने पढ़ा है उसके लिए तो अच्छी बात है, बट जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे तो सबको लेकर के चलना है कि नहीं, मुझे सिर्फ उन्हीं को लेकर तो थोड़ी ना चलना है कि जो जानते हैं बस उन्हीं को लेकर, मुझे जानने वाले और ना जानने वाले दोनों को लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। रीजन क्या है कि गलतियां उनके चिंतन में क्या करती है, अंतर्दृष्टि सूझबूझ उपलब्ध कराती हैं। आपने अंतर्दृष्टि को सूझबूझ सिद्धांत भी पढ़ा होगा, उसमें यही कहा गया है कि आप गलतियां करते जाए, ऐसा नहीं गलतियां सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको आता है वो भी करते हैं, लेकिन उससे सीखिए, है ना, गलतियों को आदत मत बनाइए, गलतियों से सीखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग आंसर करेंगे, ये फालतू आप लोग बकवास मत किया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है, पहला बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या फिर बौद्धिक तथा कालानुमित आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंध, आंसर करना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बुद्धिलब्धि के संबंध में कौन सा सही होगा, सभी को आंसर करना है।
ठीक है, बुद्धिलब्धि के संबंध में कौन सा आईक्यू, बुद्धिलब्धि को और क्या कहते हैं, आईक्यू है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बुद्धिलब्धि सिद्धांत। देखिए तो कौन सा सही होगा कि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होगा, नहीं होगा। कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, नहीं होगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित ये होगा, या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित होगा। आंसर सभी को करना है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल। यहां पर डी बहुत लोग कर रहे हैं। देखिए बौद्धिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है, कालानुक्रमिक आपने पढ़ा है एम ए अपान सी ए है ना, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, मेंटल आयु और ये आपकी क्रोनोलॉजिकल आयु, ये दोनों ही होते हैं अपान में होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है भाई, बौद्धिक आयु नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे कहने का कोई भी, अगर मैं कोई चीज आपको बोलती हूँ बुरा मत माना करिए है ना, अगर मुझे आप अपना मानते हैं तो है ना, क्योंकि टीचर एक दोस्त भी होता है, अगर आप कोई चीज आपको मेरी बोली हुई बुरी भी लग जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, ठीक है, बुरी लगने वाली कोई बात नहीं रहती है, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखिए 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे, मूर्ख श्रेणी में, मंद बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, या फिर प्रतिभाशाली में, आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए हम साइड में हो जाएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो हम साइड में हो जाया करेंगे। कोई बात नहीं सरोज बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही होंगे, निश्चिंत रहिए, आप लोग को यहाँ पर सिखाने के लिए क्लास लगाई ही जा रही है, ठीक है, और डेली क्लास रहेगी, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग 50 प्लस भी मतलब लाइव यहाँ पर नहीं जुड़े तब भी मैं मोटिवेट होकर के स्वयं काम कर रही हूँ, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए 140 से अधिक बुद्धि लगने वाले बच्चों किस श्रेणी में, डी 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 बिल्कुल रेडर सही होगा, ठीक है, प्रतिभाशाली में आते हैं, फेमस क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, चलिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, मैकडूगल है, टर्मल है, थॉर्नडाइक है, या फिर बर्ट है, बहुकारक, आंसर करेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सिर्फ अभी 36 लाइव हो, अभी आप लोग 36 कम से कम 50 प्लस जाइए, तब तो मुझे लगेगा नहीं क्लास सही है, मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है ना, आप लोग ये साबित कीजिए 50 प्लस करके कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना यार तो मुझे भी दुख होता है, ठीक है, क्योंकि फिर ये सेशन मतलब बंद कर दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। देखिए बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक सी सी सभी का सही आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, थॉर्नडाइक जी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, थॉर्नडाइक जी का कहना है कि पहले तो जो स्पीयर मैंने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी उन्हीं पर ये आगे काम किए थे, जो स्पीयर मैंने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है, तो दो प्रकार में उनका कहना था कि बुद्धि कैसे दो प्रकार से सिर्फ विकास हो सकता है किसी व्यक्ति का, उनका कहना था कि जिस प्रकार से मकान जब बनाते हैं तो बहुत सारे ईंट का प्रयोग होता है, जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं तो बहुत सारे ईंटों का हम प्रयोग करते हैं, वैसे ही तब तो एक जाकर के मकान खड़ा होता है, इसी प्रकार से मनुष्य को उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार उसी प्रकार से मनुष्य को भी अनेक प्रकार की बुद्धि एक अच्छा व्यक्ति बना पाती, एक अच्छा आईक्यू दे पाती है, ये आपके बहुकारक में बताया गया है, थॉर्नडाइक जी ने बताया है, बाकी इन्होंने तीन ज्यादा इन्होंने बताया है, मतलब उनमें कहना चाहिए कि फोकस किया है, ठीक है भाई, ओके, तीन है संक्रिया है उनका, एक उनका फर्स्ट संक्रिया है, दूसरा विषय वस्तु है, इनमें भी उन्होंने ज्यादा आगे डिटेल बताया है, अगर आपको डिटेल पढ़ना होगा तो डिटेल भी बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में, विषय वस्तु, तीसरा आपका उत्पादन हो जाएगा, तीन प्रकार की है बेसिकली है, तीनों में भी चार चार प्रकार उन्होंने बताए टोटल बहुकारक सिद्धांत में, ठीक है, ओके, बुद्धि के तीन प्रकार की होती है, हाँ बिल्कुल, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनमें अंदर भी प्रकार बताए हैं, जैसे संक्रिया के भी तीन चार प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्धिलब्धि मापक के जन्मदाता क्या है। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टन है, बिने है, टर्मन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें मैं आज आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एमपी टेट का एग्जाम का कोई डेट नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ते हैं। अरे ये क्या बात है सरोज बेटा, ये कोई गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई। डेट नहीं आई है तो डेट ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। डेट जिस दिन आएगी तो क्या उसी दिन आप बुक खोलोगे? ऐसा नहीं है। जो होशियार बच्चे होते हैं ना बेटा, तो वो क्या करते हैं, पहले से तैयारी करके रखते हैं चीजों को, कि जब भी आए तो हम छक्का मार देंगे, है ना। कभी भी ऑल टाइम आप देखोगे कोई भी अगर तैयारी जिस भी फील्ड का कर रहा होगा, स्पोर्ट्स का कर रहा होगा, या फिर आप कह लीजिए कि पढ़ाई का कर, स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी अगर भले भी उसका क्रिकेट का नहीं है, टीम नहीं होने वाली है, उसको खेल नहीं होने वाला, तब भी वो प्रैक्टिस करता रहता है, हर दिन करता है, है ना। तो ये तो आप गलत लेकर के चल रहे हैं मेरे हिसाब से, बाकी फिर अपनी अपनी सोच है ना, सभी समझदार है। देखिए बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर टर्मन होगा। देखिए टर्मन जी ने जो प्रयोग किया था सन 1916 में किया था, वैसे अगर हम बात की जाए 1912 में बुद्धि के जन्मदाता का काम एस्टर्न ने किया था। यहाँ पर पहला जो अगर एस्टर्न है, सन 1912 में इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था एस्टर्न जी ने, लेकिन इनको आगे बढ़ाने का काम कौन किया है, टर्मन जी ने किया, इसलिए इनको बुद्धि के जन्मदाता का श्रेय इनको दे दिया जाता है। अगर वैसे तो कभी अखबार में होगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में टर्मन नहीं है तो आपको बेसिकली एस्टर्न ही आंसर करना है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको जन्मदाता के रूप में टर्मन आंसर करना है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ? नहीं नहीं बुद्धिलब्धि के जन्मदाता के नहीं है वो, बिने तो आपके एमए, ये मोनोलॉजिकल, ये आपके मेंटल जन्मदाता है, ठीक है, बिने नहीं होंगे। बहुत सारे साथियों का बिने आंसर आ रहा है, बिने नहीं है, बिने उनका है, कहना चाहिए कि काला जो आपका मेंटल आयु मानसिक आयु के है वो, ठीक है। चलिए ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है कि ताकि आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ये क्वेश्चन आप बाद में आता है मतलब परेशान हो जाते हैं, आप तो नहीं कह सकते लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें बेसिकली। देखिए अंतर्व्यक्ति बुद्धि से क्या तात्पर्य है, आंसर करेंगे सभी, स्वयं की क्षमताओं और कमजोरी की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, तीसरा है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, चौथा है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। आंसर सभी को करना है। वेल्डन आप लोग 50 के लाइन में जा रहे हो, 41 आप लोग हैं, कम से कम आप 50 प्लस तो कीजिए यार, इतना तो करिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही, ए सभी का आ रहा है। वेल्डन देखिए स्वयं की कमी क्षमताओं को ही जान, कमजोरी एवं क्षमताओं को, ऐसे कौन से लोग होते हैं, आप जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो स्वयं की क्षमताओं कमजोरी की पहचान कर लेते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, आपको आंसर करना है। ऐसे संत लोग करते हैं, यार सॉरी यार मैं थोड़ा हाइट नहीं की खुद को, है ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी 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 मैं भूल जाती हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या बता रही थी, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर योगी लोग हो जाते हैं, संत लोग हो जाते हैं, ये क्या करते हैं अपनी कमियों को पहचान लेते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ सामने वाले की कमी को देखते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ये लेकिन गलत बात है, अपनी कमियों को भी देखने का प्रयास किया करिए, ठीक है भाई, क्योंकि अगर कमी ना हो किसी व्यक्ति में तो वो इंसान भी भगवान कहलाएगा, है ना। देखिए चलिए कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। देखिए यहाँ पर आपका कोर्स ऑफर चल रहा है ना, कोर्स ऑफर चल रहा है, 4 मई तक चलेगा, ये नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। संपूर्ण साहित्य का कोर्स लेना है तो ये फीस रखी गई है थोड़ी मात्रा में, टीजीटी मॉडल भी अगर परचेस करना है तो आपका यहाँ पर कम मात्रा में फीस रखी गई है, ठीक है भाई। तो सभी लोग इसको परचेस कर ले जिनको साहित्य की जरूरत है, संपूर्ण साहित्य पढ़ना है सर के साथ, तो ठीक है ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्न में से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है। पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत रटने की क्षमता रखता है, नहीं की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा लक्षण नहीं है, लक्षण है लक्षण नहीं है बुद्धिमान बच्चे की, तो वह जो लंबे निबंधों को रट लेता है वो नहीं है, या फिर वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण रखने की क्षमता रखता है, या जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित एडजस्टमेंट कर लेता है। बताइएगा सभी लोग क्या होगा इसका ऑप्शन।
बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बिल्कुल क्या हो जाएगा? देखिए आप सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, तो क्या वह लक्षण नहीं है? बिल्कुल, जो बुद्धिमान बच्चा हुआ अमूर्त रूप से सोचता है। अमूर्त का मतलब है जो दिखाई नहीं देता। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे को अगर थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है ना, बुद्धिमान बच्चा है मैथमेटिक्स में, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा हिंट में ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे सब कुछ रख दो तब भी उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए अमूर्त बिल्कुल बुद्धिमान बच्चे का ये है, ये तो सही होगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को एडजस्ट कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होता है। वो कहीं भी किसी भी वातावरण में अच्छे के साथ ही बुरे के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, ये भी सही बात है। और उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता है, बिल्कुल वही वाक्य बोलता है जो जरूरी होता है, जो सही होता है, जो सबको प्रिय लगता है, वही भाषा बोलता है, तो ये भी सही है। देखिए रटने की बात तो नहीं करता, ना एनसीएफ करता, ना हम करते, ना हम बिलीव करते, ना एनसीएफ करता है। वेल डन, 50 हो गए, 50 से आगे भी हो गए हैं, ऐसे ही आप बिल्कुल बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रटने की क्षमता रखता है, बिल्कुल ये नहीं होगा, है ना, ये गलत ऑप्शन है, यही आपका राइट होगा। वो जो निबंधों को बहुत रटने की क्षमता रखता है, रटाफिकेशन कोई बुद्धिमान बच्चा नहीं करता है, वो रटते नहीं है, वो समझते हैं चीजों को, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डॉट डॉट कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, या फिर भाषिक बुद्धि, या यहाँ पर सीनिक नहीं होगा, अस्थानिक होगा, अस्थानिक बुद्धि होगा, बताएंगे सभी लोग? बिल्कुल वेल डन विजय जी, 50 हो गए हैं, अब आप लोग बढ़ाइए 50 से। अब जिम्मेदारी आप लोग की है कि आप लोग को 50 से आगे कितना ले जाना है, अब मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग खुद ही शेयर करेंगे। आप लोग को खुद इच्छा होनी चाहिए कि भाई इतने साथ एक साथ एक क्लास में पढ़ेंगे, मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर लगता है आपको तो, फोर्स नहीं, अगर आपको लगता है तो ठीक है। कल को आप भी भाभी, अभी भाभी शिक्षक है, आप भी बनेंगे कहीं पर जाकर, अगर आप इतना मेहनत करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा तो लगेगा यार, है ना, कि मेरे साथ भी इतने साथ ही जुड़ने चाहिए, है ना। अपने को रख करके देखो तो बिलीव हो जाएगा क्या मेहनत क्या होती है ना इस प्लेटफॉर्म में आने तक के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या कह रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत की, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पहले जस्ट सीख लिया है। पशुओं की बात कर रहा है, खनिजों की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की पहचानने की बात कर रहा है, तो ये सारी बुद्धि किसमें आ रही है, बीबीबी बैडन, प्राकृतिक बुद्धि में। जैसे किसान होता है वो कहां से होता है, कौन सी बुद्धि से रिलेट करता है, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल वाला, है ना, जैसे कि बायो, जीव विज्ञान है ना, भौतिक विज्ञान तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें बॉटनी है, बॉटनी किसमें आएगी, प्राकृतिक बुद्धि में ही आएगी, जो बच्चा सीख रहा है समझ रहा है, तो ये प्राकृतिक बुद्धि बिल्कुल सही है। लॉजिकल वाला तो यहाँ पर मैट्रिक बच्चा आएगा, भाषिक बुद्धि में कभी आएगा, लेखक आएगा, है ना, स्थानिक बुद्धि में ये आपके क्षेत्रफल मापने वाले आ जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक बच्चा जो वेल डन करम राम जी मैडम, देखिए एक बच्चा जो डॉट डॉट से ग्रस्त है और वह क्या कर रहा है, सांप और बाज में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किससे प्रभावित है, डिसलाइनिया से, डिसग्राफिया से, डिसकाल्कुलिया से, डिसलेक्सिया से, आंसर करेंगे सभी लोग 100+। अगर आप लोग में अभी तो क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन है टोटल, अगर 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग 100+ लाइव रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो भाई बहुत खुशी होगी, ठीक है भाई, आप सबको भी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए तो ये बच्चा क्या कर रहा है, सांप को बाज पड़ता है या फिर अंतर नहीं कर पाता है, तो ये यहाँ पर किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, बैडर। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका डिसलेक्सिया होगा, है ना, वो क्योंकि अंतर नहीं कर पा रहा सा और बाज में, ठीक है भाई, ओके, डी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट डॉट की योग बनाती है। पहला है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, दूसरा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, तीसरा है विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और चौथा है विद्यार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के लिए क्यों इंपॉर्टेंस होती है, क्या होती है बुद्धि, क्या होती है विकास,
ये जानना क्यों जरूरी होती है? मैम हटो, बिल्कुल बिल्कुल हट गए हैं। कोचिंग देखिए यहाँ पर बुद्धि और विकास हर एक टीचर के लिए जानना इसलिए जरूरी होता है, उसका योग इसलिए जरूरी होता है। पहला ऑप्शन क्या है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास करना के लिए जरूरी होता है, या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसलिए बुद्धि और विकास का जाना जरूरी होता है, या फिर विभिन्न शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता कर पाए, या फिर विद्यार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि अपने जीवन को आप कैसे सुधार सकते हैं, तो आपने ये जरूरी नहीं कि आप मेरी ही क्लास ज्वाइन कीजिए, आप प्रवचन भी सुनते होंगे, राम जी की कथा है ना, कृष्ण जी की कथा, तो वहां से भी आपको बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं, महात्मा जी ऐसे होते हैं कि आपको जीवन को सुधारने की बात बताते हैं। पर्टिकुलर मैं ही आपको एक टीचर ही नहीं, टीचर का जो आपको समझा रहा है वही आपका टीचर, जरूरी नहीं कि आपको कॉपी पेन लेकर के हाथ जो सिखा रहा वही टीचर कहलाता है। हर एक मोड़ पर, हर एक राह पर जो आपको सही दिशा दिखाने के लिए बात करता है वो आपका टीचर होता है, ठीक है। चाहे आपकी माँ हो या फिर घर, चाहे माँ जैसी भी पढ़ी लिखी हो, वो आपकी क्या कहलाएंगी, टीचर ही कहलाएंगी। देखिए तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा योग, इसलिए क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्धि एवं विकास का चैप्टर जाना, उसके बारे में जाना, क्या होती है बुद्धि, क्या होता है विकास, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में हम स्पष्टता दे पाए। कहने का मतलब ये है कि जितने विविध प्रकार के, जहां पर पहला ऑप्शन तो मैं आपको ये बता देती हूँ, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन के ऑप्शन में विविध प्रकार दिया हुआ है तो सबसे पहला आंसर उसका वही होगा। विविध का मतलब है कि वहां पर बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी मेथोडोलॉजी है, तो जहां पर बहुत सारा हो वहां पर जाओगे या फिर एक दिशा में जाओगे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जहां पर बहुत सारा होगा वहां पर जाना चाहिए। तो बेशक यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा, विविध शिक्षार्थियों को शिक्षा के बारे में हम विविध शिक्षार्थियों को जान पाए कि किसकी कौन सी बुद्धि होती है, किसका कैसा विकास होता है, किसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, है ना, तो सी ऑप्शन सफिशियंट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई डाउट रहना चाहे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सीटेट का बंदा हो, यूपी टेट का हो, रीट का हो, सुपर टेट का हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, कोई भी बच्चा यहाँ से खाली नहीं लौटना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से कोई भी बच्चा बिना सीखे नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े। देखिए ऐसी बात नहीं है कि टीचर नहीं पढ़ता, टीचर भी पढ़ के आता है, आपको पढ़ाने के लिए टीचर भी पढ़ के आता है, तो आप तो सिर्फ आप आ जाते हैं यहाँ पर, मेरी मेहनत तो मुझे पीछे के पर्दे के पीछे देखो कितनी मेहनत करके हम यहाँ पर आते हैं, तो हर कोई इसका लाभ पाए, सिर्फ यह मानसिकता अपने मन में बनाए रखिए, है ना, किसका लाभ हर व्यक्ति पाए, क्योंकि अगर कोई मेहनत करके यहाँ ला रहा है चीजों को तो हम ही क्यों रखें, यहाँ किसी बांटो, है ना, दुख बांटने से आपका कम हो जाता है, है ना, असुख भी बांटते हो तो आपको और भी खुशी मिलती है। तो देखिए योग्यता व योग्यता समूही योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विद्यार्थी सम समूह बेहतर सीखेंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अभाव हुआ प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। भाई आंसर करें सभी लोग, 60 प्लस अभी आप लोग हैं, अभी आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे तो 100 प्लस कर सकते हैं, या आप लोग में इतनी क्षमता मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है भाई, अभी 5 क्वेश्चन और बाकी है आपके, आप चाहेंगे तो 100 प्लस कर सकते हैं। देखिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, सभी लोग बताएं, यहाँ भी ट्रिक थोड़ा सा पकड़िएगा, जो मैंने जस्ट पहले आपको बताई है वो ट्रिक पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बेशक आपको आंसर सही आंसर मिलेगा। ओके कुलदीप लवली, सभी का आंसर सही आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिया आपने। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, विभिन्न, यहाँ पर विभिन्न शब्द आपको दिया है तो बेशक यही ऑप्शन होगा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए, है ना, एक तो पहला विभिन्न दिया हुआ है, दूसरा बहुस्तरीय, तो बेशक यही ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। ज्यादा मैं आपको, चूंकि आप लोग कोई एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं, आप एक समझदार है, एक भावी शिक्षक है, मैं आपसे इतनी आशा तो कर ही सकती हूँ कि चीजों को अगर आपको मैंने हिंट दे दिया है उसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है भाई।
बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को अगर ऐसा बोलती हूँ, अपना समझ कर कह रही हूँ, अगर बुरा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से नहीं कहूंगी, ठीक है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव बेल्ट बेल्ट है सरोज जी, आपने तो समझ लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को एस्टनबर्ग के तृतंत्र में संबोधित किया जा गया है, संदर्भगत, अव्ययभूत, सामाजिक या फिर अनुभाविक। आंसर सभी को करना है, क्या होगा आपका ऑप्शन? मुझे उम्मीद है कि आप सबने शेयर जरूर किया है, अगर नहीं किया है तो बिल्कुल करने की कोशिश कीजिए। देखिए डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को एस्टनबर्ग जी ने बुद्धि का सिद्धांत दिया तृतंत्र में, तो कौन सा संबोधित किया है उसके अतिरिक्त बताना है, कौन सा ऐसा नहीं जिसको नहीं किया, तीन तो होंगे ही ऑप्शन में, और उसके अतिरिक्त सी किया। वेल डन वेल डन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए तृतंत्र सिद्धांत में आपको बता देती हूँ, तृतंत्र सिद्धांत में उन्होंने देखिए जैसे विश्लेषणात्मक बुद्धि उन्होंने दिया है, विश्लेषणात्मक बुद्धि भी दिया, सृजनात्मक बुद्धि भी दिया है, व्यवहारिक बुद्धि भी दिया है, तीन प्रकार की बुद्धि। जैसे कि विश्लेषणात्मक में उनको विश्लेषण में क्या बताया है, उसको अनुभव भी बताया, उसको घटकी भी बताया है, और भी अनुभव सृजनात्मक जैसे क्रिएटिव बुद्धि जिसमें होती है उसको अनुभव कहा जाता है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी को? जो क्रिएटिव होते हैं उसको क्या कहते हैं, अनुभवी उसको कहते हैं, विश्लेषणात्मक घटकी बुद्धि कहते हैं, तो ये आपके स्टैंडर्ड में दिया है, ठीक है भाई। वेल डन 60+ आप लोग हो चुके भाई, कांग्रेचुलेशन सभी को। देखिए 40 और बचे हैं, 4 क्वेश्चन हमारा और बचा है, अब देखते हैं कि आप लोग की गाड़ी कहां तक जा रही भाई, ठीक है। बुद्धि है, बुद्धि क्या है, एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, एक अंगीकार करने की क्षमता है, एक सीखने की क्षमता है, या फिर ये सभी। आंसर सभी को करना है और मोटिवेट स्वयं रहना, मेरे क्लास में कोई भी उदास बच्चा नहीं होगा भाई, मेरी क्लास में कोई उदास बच्चा नहीं होगा, एकदम खुश मन से आंसर कीजिए और इस तरीके से कीजिए कि हमें कोई भी एग्जाम आ जाए, कोई भी एग्जाम आ जाए, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिला है प्रिपरेशन करने का। रीट कौन दे रहा है, कोई भी दे रहा हो, रीट का बंदा हो, सीटेट का बंदा हो, यूपी टेट का, टीजीटी, और आपका जिसमें भी साइकोलॉजी सीडीपी आती है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहती है और सभी को मैं मल्टीपल करके क्वेश्चन लाती हूँ, ठीक है भाई। ओके तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये किसके लिए है, ये सभी के लिए है। तो देखिए बुद्धि क्या है, डी डी ऑप्शन बिल्कुल आएगा, आ रहा है बिल्कुल, वेल डन। तो क्या हो जाएगा, एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि है, एक अंगीकार करने की क्षमता, अंगीकार का मतलब उसको ऑब्जर्व कर लेना, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पर, ऐसा प्लेटफॉर्म हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म हो, अगर मान लीजिए आप वहां पर हैं, आपके फ्रेंड्स ने कुछ आपको इंग्लिश नहीं आ रही, टेंस नहीं आ रहा है, वो टेंस के बारे में बता रहा है, तो आपने उसको ऑब्जर्व किया कि यार मेरा दोस्त क्या बात है भाई, टेंस पढ़ रहा है, मतलब मुझे भी ये चीज आनी चाहिए, तो ये सीखने की क्षमता भी होती है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आरबी कैटल की तरल बुद्धि, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, या फिर सामाजिक कारकों के। आंसर करना है सभी को, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल एम्पिटेट है, चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है। आरबी कैटल की तरल बुद्धि, मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया, कैटल जी ने दो प्रकार की बुद्धि बताई है ना, कैटल जी ने दो प्रकार की बुद्धि बताई, एक तरल बुद्धि, दूसरी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वो वंशानुगत जेनेटिक्स होती है, जो ठोस बुद्धि होती है वो आप ऑब्जर्व करते हैं अपने अनुभव से, अपने अर्जन से वो चीज को अपने पास रखते हैं, है ना। देखिए और उम्र के साथ कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, उम्र के साथ जो तरल बुद्धि हो तो धीरे धीरे कम भी होती जाती है, जो तरल बुद्धि है चूंकि वंशानुगत जेनेटिक्स होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जितना ज्यादा तरल बुद्धि आपकी कम होती जाएगी ठोस बुद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो देखिए तरल बुद्धि क्वेश्चन पूछ रखा था, वंशानुगत कारकों से आपको ऑप्शन हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? ओके डी ऑप्शन नहीं होगा भाई, डी ऑप्शन नहीं होगा, वंशानुगत कारकों से होगा, ठीक है। ओके चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैडम जी स्पीड ज्यादा दिखान पड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड कम से बता देते रितिका बेटा। ये देखिए, देखिए कैटल जी ने दो प्रकार की बुद्धि बताई है, एक तरल बताई है, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक तरल बुद्धि बताई है, दूसरी ठोस बुद्धि बताई है,
तरल बुद्धि जो होती है आपकी जिनेटिक्स होती है, पंचांगत होती है, और जो ठोस बुद्धि होती है वो आपकी ऑब्जर्व के माध्यम से होती है, अनुभव के माध्यम। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप अनुभव से सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी ठोस बुद्धि बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं मैम जी तरल बुद्धि फिर आगे क्या होगा। अब आप जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए 40, 50, 60, तो जितनी ज्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी तरल बुद्धि की मात्रा उतनी कम होती जाएगी और ठोस बुद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक में एक में कम होता जाएगा तो दूसरा वाला बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ चीजें सभी भाई? सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ठीक है, ऐसे ही अगर आप मैं ज्यादा स्पीड से बताऊं तो भाई बता दिया करिए, है ना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी इस चीज पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपने ही अपनों को कमियां बताते हैं, कोई और नहीं। मैम जी, मैम इस टाइप के क्वेश्चन पीएससी में काम आएगा क्या? हाँ, अगर साइकोलॉजी आती है तो पीएससी में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर साइकोलॉजी आती है तो चूंकि बुद्धि चैप्टर, तो आप किसी भी, अगर आप में साइकोलॉजी आ रही है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को कहा जाता है भाषाई बुद्धि, अंतर्वैविक, स्थानिक बुद्धि या व्यक्तिगत बुद्धि। चलिए भाई, काल का एक्सप्रेस की तरह नहीं होगा, स्पीड कम कर लूंगी भाई। देखिए अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा स्पीड बोल रही, धीरे बोल दूंगी, मुझे क्या है, है ना, पढ़ाना तो मुझे धीरे में भी है ज्यादा में भी है, तो मेहनत तो मुझे दोनों में लगती है। आप लोग बता दिया करिए, देखिए कमेंट सही किया करिए, एक शिक्षक से मैं ये अपेक्षा करती हूँ, है ना, कमी हो सकती है, बेशक मानती हूँ कि स्पीड ज्यादा हो जाती होगी, है ना। तो कालका वालका एक्सप्रेस आप लोग जो ये कमेंट करते हैं तो थोड़ा शब्दों पर अपने सही, चूंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म है ना, पर्सनल नहीं है। चलिए तो देखिए यहाँ पर स्वयं की भावनाओं को, संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी अंतःवैविक कहा जाता है ना। यही तो है कि हर कोई अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाना इतना संभव नहीं होता है, है ना। मैं आपको पढ़ा भी रही हूं, देखो संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, अंतःवैविक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन होगा, स्थानिक नहीं होगा। स्थानिक तो जो दिशाओं से संबंधित होता है वो आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। बताएंगे बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तो क्लास आपको कैसी लगी? देखिए रिपीट मैसेज बार बार मत कीजिए, ठीक है भाई, माइंड डाइवर्ट होता है हर किसी का, आंसर करने वाले का भी। ओके, क्या हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो, डी हो जाएगा, यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ओके, साइड हो जाती हूं भाई, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल सही बात है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता है, बिल्कुल। अगर आप कहीं नहीं, मैंने आप ही जस्ट पहले ही आपको प्रतिभाशाली के बारे में बताया है। हाँ साइड हो गए, साइड हो गए भाई, ध्यान से उतर जाता है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील है, नहीं अस्थाई नहीं है कि जो कल बुद्धि थी वो आपकी अस्थाई हो चुकी है, जीवन पर्यंत आपकी बुद्धि वही रहेगी, है ना। यह अस्थाई है, यह अस्थाई है, मतलब अगर आपकी बुद्धि कल जो चीज आप नहीं जानते थे, आने वाले समय में चूंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, अनुभव बहुत मैटर करता है, धीरे धीरे चीजों को आप और भी अच्छे से समझने लगे, आपको ज्यादा, जितना ज्यादा आपको कहते हैं कि जितनी ज्यादा परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं
व्यक्ति उतना ही सीखता जाता है, उतना ही निखरता जाता है। ठीक है दीपा जी, बिल्कुल नाम ले लिया मैम, आपके माथे पर कुछ लगा है। स्वागत है जिसका फर्स्ट क्लास है ना, और जिनकी फर्स्ट क्लास है, जिनका चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ये अस्थाई अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, देखिए बुरा मत मानिएगा किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। ये सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म है, हम एक दोस्त हैं, हम एक फ्रेंड्स हैं, हम एक फैमिली हैं, ठीक है। और फैमिली में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, सभी को मालूम है, आपकी फैमिली में भी होती होगी। ये एक परिवार ही है, बस पर्दे के पीछे हूं मैं, अगर आपके सामने होती तो आप भी एक परिवार ही समझते, लेकिन मैं तो आपको अपना परिवार ही समझती हूँ, है ना। तो जो ऐसी मानसिकता है उसको हटा दीजिए, एक परिवार समझिए। मैं आपको कुछ बोलूं तो आपको बुरा ना लगे, आप मुझे बोले तो मुझे ना लगे, ठीक है। ये दोनों ही चीजें एडजस्टमेंट करना मैम, आप आड़ जाती हो तो प्रश्न नहीं लिखता। हाँ बिल्कुल रितिका, हम ध्यान देंगे इस चीज का, सॉरी इस चीज के लिए कि हम क्वेश्चन को दिखाने के बाद हम हट जाया करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, हम हिंदी व्याकरण की क्लास में रात्रि के 8 बजे आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। हिंदी व्याकरण की क्लास रहेगी और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रात्रि को 9 बजे आपको सर की क्लास, साहित्य की क्लास रहेगी सुमित सर की, तो सभी लोग क्लास में जुड़ना ना भूलें। चैनल पर नए होंगे जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें। और ये सर का, सुमित सर का ये आपका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, जहां यहां जुड़ना चाहते हैं। और खास बात ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप सारी जानकारी ले सकते हैं इस क्लास से, जो भी आपको डाउट है ना, कोर्स परचेस करने के लिए, मॉडल पेपर परचेस करने के लिए, साहित्य का, टीजीटी का, पीजीटी, सुपर टेट, जिसका भी आपको कोर्स लेना है, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे इस नंबर से, ठीक है। बाकी आपको जो और प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच।